नमस्ते दोस्तों, किरण माहेश्वरी के चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको साबूदाने की खिचड़ी कैसे बनाते हैं वो बताती हूँ। बहुत लोगों की शिकायत है कि खिचड़ी खुली खिली नहीं बनती है और चिपचिपी हो जाती है। आज मैं आपको पूरे ट्रिप और ट्रिक के साथ ये खिचड़ी बनाना बताऊंगी। खिचड़ी बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत होगी वो मैं आपको बताती हूँ। 2 से 2 कप साबूदाना जो मैंने 2 घंटे पहले भिगो के रखा था, 2 बारीक कटे हुए आलू, 2 टमाटर बारीक कटे हुए, 2 से 3 हरी मिर्च, कुछ क्रियापाक के पत्ते, बारीक कटा हुआ हरा धनिया, हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर, जीरा और नमक, 2 से 3 चम्मच नींबू का रस, बारीक पीसी हुई मूंगफली। हम एक कढ़ाई लेते हैं, कढ़ाई को गैस पे रखते हैं, उसमें 2 से 3 चम्मच तेल डालिए। तेल जब अच्छा गर्म हो जाए तो उसमें जीरा डाल दीजिए। जीरा जब तड़कने लगे तो उसमें आलू डाल दें, जो हमने काट के रखे थे वो आलू। इस क्रियापाक के पत्ते, जब आलू हल्के से भून जाए तो उसमें 2 चम्मच बारीक कटी हुई हरी मिर्च, 2 चम्मच बारीक कटी हुई हरी मिर्च। जब आलू पक जाए तो उसमें कटा हुआ टमाटर, जब सारी चीजें अच्छे से पक जाए तो गैस को फिन करें और जो अपने भिगो के रखा वो साबूदाना डाल दीजिए। पीसी हुई मूंगफली, इसकी जगह आप साबुत मूंगफली भी उसमें ले सकते हैं। आधा चम्मच हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, लाल मिर्च पाउडर आप टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हैं, नमक स्वाद अनुसार, और इसे अच्छे से मिक्स कीजिए। दो तीन मिनट भूनने के बाद इसमें 2 चम्मच नींबू का रस, 2 चम्मच डालकर अच्छे से मिक्स कीजिए। दो से तीन मिनट जब अच्छे से भुन जाए तो उसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल दीजिए और गैस बंद कर दीजिए। खिचड़ी बनकर रेडी है, आप भी इसी तरह बनाइए, बिल्कुल आपकी खिचड़ी भी खुली खुली बनेगी। लीजिए, खिचड़ी खाने के लिए तैयार है। मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए।